हेलो फ्रेंड, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल किसान पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, देख सकते हो, स्ट्रेंजर पीवीटी 501 के इंटरनल पार्ट के बारे में। दोस्तों देख सकते हो, मैंने ये स्ट्रेंजर पीवीटी 501 को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे बहुत से कमेंट आए थे कि सर जो है स्ट्रेंजर का इंटरनल पार्ट के बारे में मतलब खोल के वीडियो बनाओ। तो दोस्तों देख सकते हो, ये इसके जो है इंटरनल पार्ट आपके सामने है। दोस्तों ये जो हो गया, ये इसका मेन ट्रांसफार्मर है दोस्तों, जो मेन लाइन को डीसी में कन्वर्ट करके इसमें सप्लाई करता है। दोस्तों ये जो इसमें लगे हुए हैं, ये इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं दोस्तों, दो कैपेसिटर दोस्तों इसमें। और दोस्तों ये कैपेसिटर 63 वाट 15000 UF के कैपेसिटर है दोस्तों इसमें। दोस्तों ये देख सकते हो, इसकी हीटिंग प्लेट है पूरी, मतलब ट्रांजिस्टर प्लेट इसकी। इसके नीचे जो है इसकी हीटिंग लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो, ये इसके नीचे इसकी हीटिंग लगी हुई है। दोस्तों इसकी ट्रांजिस्टर प्लेट है दोस्तों, इस पर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 500 वाट प्लेट के ऊपर। दोस्तों इसमें ये पूरी ट्रांजिस्टर प्लेट है, 16 ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी हुई दोस्तों। इसमें 8 ट्रांजिस्टर इधर है दोस्तों और 8 उधर है दोस्तों। इसमें 2 AC 52 और 19 43 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों। इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर है ये वाला, देख सकते हो दोस्तों। इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि इसकी सेफ्टी के लिए, मतलब इसके ट्रांजिस्टर की सेफ्टी के लिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, ये स्पीकर की जो सेफ्टी के लिए दोस्तों, कभी मतलब कम ज़्यादा वाट होने पर स्पीकर डैमेज ना हो दोस्तों। ये इसका फैन लगा हुआ है इधर, देख सकते हो ये फैन दोस्तों। ये इसका रिसेट बटन है जो बैक सेट होता है। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है जो 35 एम्पियर का है दोस्तों, देख सकते हो ये दोस्तों। पुराने जो एम्पलीफायर आते हैं दोस्तों, उसमें वो जो डायोड को मिला के दोस्तों ये बनाते हैं, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर जो है डायोड को जोड़ के आपस में 4 डायोड को जोड़ के बनाते हैं दोस्तों। लेकिन अब जो नए एम्पलीफायर में आ रहे हैं दोस्तों, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है मतलब सीधा आ रहा है इसमें, बना बनाया हुआ दोस्तों। दोस्तों ये ज़्यादा पावरफुल होता है उससे, जो पुराना रेक्टिफायर था उससे। और दोस्तों देख सकते हो इसमें दोस्तों, ये हो गया इसका, ये जो इसका ड्राइवर बोर्ड दोस्तों, इसका ड्राइवर बोर्ड दोस्तों 30555 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया और पावरफुल है दोस्तों। ये इसका बास ट्रेबल और मिड की प्लेट हो गई ये वाली, ये इसके लाइट हो गए दोस्तों अंदर साइड से, ऑन टेम्परेचर और ओवरलोड के। ये इसका ऑन ऑफ बटन हो गया, और ये देखिए दोस्तों इसकी ये हीटिंग हो गई है पूरी एल्यूमिनियम की दोस्तों, हीटिंग लगी हुई है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसके इंटरनल पार्ट में इतना ही है जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। ओके दोस्तों।